बुमराह की नकल से टूटी अंग्रेजों की कमर। राजकोट में सिराज का राज, इंग्लैंड के बल्लेबाज हुए परेशान। मोहम्मद सिराज का जोश, अंग्रेजों के उड़े होश। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन बेहद जबरदस्त गेंदबाजी की और इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम की पकड़ मजबूत कर दी। मोहम्मद सिराज ने 21.1 ओवर में 2 ओवर मेडन डाले और 84 रन देते हुए 4 विकेट चटकाए। सिराज ने ओली पोप, बेन फॉक्स, रेहान अहमद और जेम्स एंडरसन को पेविलियन भेजा। क्या बुमराह की नकल करके सिराज ने किया कमाल? मोहम्मद सिराज ने राजकोट में रेहान अहमद और जेम्स एंडरसन को 2 बेहतरीन यॉर्कर से क्लीन बॉल्ड किया। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने खुलासा किया कि जब वे ब्रेक पर थे तो उन्होंने अपने साथी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की नकल करने की कोशिश की थी। मोहम्मद सिराज के मुताबिक, मैंने कुछ नया नहीं किया, मैं अपने परिवार के साथ था और मैंने बस इस ब्रेक को एंजॉय किया। मैंने 5 दिनों का ब्रेक लिया और फिर मैंने घर पर ही ट्रेनिंग की। मैं घर पर जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर को मिस कर रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसे राजकोट में करूंगा। पिच से ज्यादा सहायता नहीं मिल रही थी, उस दौरान यॉर्कर ही एकमात्र विकल्प था और मुझे इसका रिजल्ट मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। मोहम्मद सिराज ने आगे कहा, ऐश भाई यानी आर अश्विन के नहीं होने से मैदान पर केवल हम 4 गेंदबाज ही थे। हमारी जिम्मेदारी इंग्लैंड की आक्रामक बल्लेबाजी के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने की थी। हमने फैसला किया कि हम अपनी लेंथ पर बने रहेंगे और उनकी गलतियों का इंतजार करेंगे। आपको बता दें कि सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है और ये टेस्ट मैच जीतकर टीम इंडिया 2-1 से सीरीज में आगे हो जाएगी। राजकोट टेस्ट में भारत की प्लेइंग 11 में ज्यादातर युवा खिलाड़ी ही शामिल हैं और अश्विन पारिवारिक इमरजेंसी की वजह से टेस्ट मैच बीच में ही छोड़ चुके हैं। ऐसे में टीम इंडिया केवल 10 खिलाड़ियों के दम पर ही अंग्रेजों को पटखनी देने के लिए जोर लगा रही है।